हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड नॉलेज इन मेडिकल साइंस। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एलर्जी में यूज होने वाली टैबलेट्स की, एंड एलर्जी क्या होती है एंड इसमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो सबके एक एक करके बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पहले कि एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी एक इम्यून सिस्टम की रिएक्शन है। जब क्या होता है गाइस, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल यानी बाहरी कोई भी पार्टिकल या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक वो अंदर जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे रिएक्ट करता है एंड बॉडी को डिफेंस करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर कुछ एलर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे एलर्जी कहते हैं। एंड इसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ टैबलेट्स दी जाती है, उनकी सारी की बात करेंगे। एंड अब बात करते हैं कि एलर्जी के साइन सिस्टम क्या होते हैं, हमें कैसे पता करें कि हमें कुछ एलर्जी हुई है। तो गाइस, सबसे पहले एलर्जी में होता है तो वो है स्किन रेशेज, यानी गाइस हमारी स्किन में वो यहाँ पर खुजली चलने लगती है एंड वहाँ पर रेडनेस हो जाती है और छोटे छोटे धब्बे से भी हो जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम है जो कि स्किन रेश हो जाते हैं एंड ईचिंग होने लगती है, वहाँ पर खुजली चलने लगती है एंड स्वेलिंग आ जाती है, मतलब वहाँ पर सूजन आ जाती है एंड हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग भी होने लगती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये गाइस, ये है मेन सिम्टम ऑफ जो एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन होती है, एलर्जी होती है तो उसके मेन सिम्टम है। एंड गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो गाइस, इसमें के ट्रीटमेंट मेनली दो ही टैबलेट दी जाती है जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है, बहुत कॉमन है, एंड एक और है जिसका भी बात करेंगे अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले है फ्रेनामाइन जो कि एविल नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड जब भी हमें किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट में हमें यही दी जाती है सबसे पहले। अगर इससे कंट्रोल नहीं होगी फिर नेक्स्ट टैबलेट को यूज किया जाता है, लेकिन सबसे पहले एविल का ही यूज किया जाता है, चाहे वो किसी इंसेंट के बाइट से जैसे कोई मधुमक्खी वगैरह खा जाती तब एलर्जी हो जाती तब भी इसका यूज किया जाता है, या फिर कुछ डस्ट वगैरह से हो जाती है तो, या फिर फूड पॉइजनिंग, मतलब सब में सबसे पहले फ्रेनामाइन का यूज किया जाता है एविल का। एंड इसके बाद अगर इससे कंट्रोल नहीं हो तो फिर नेक्स्ट का यूज किया जाता है एंड डेक्सामेथासोन का यूज किया जाता है जब सीवियर टाइप की हमें कोई एलर्जी हो जाए, तो उसको रोकने के लिए डेक्सामेथासोन का यूज किया जाता है, डेक्सोना नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड गाइस, नेक्स्ट थोड़ी सी और टेबलेट्स वो भी बात कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एलर्जी में डेक्सामेथासोन जो कि अभी हमने बात की सीवियर में यूज किया जाता है, एंड एविल है जो कि नॉर्मली जनरली सबसे पहले दी जाती है, एंड सिट्रीजाइन है एंड और यहाँ पर लीवोसिट्रीजाइन आती है जो कि कोल्ड वगैरह में भी यूज की जाती है, ये भी एलर्जिक कंडीशन होती है, वही सिम्टम होते हैं, कोल्ड भी एक एलर्जिक सिम्टम है। तो गाइस, इसमें भी जो सिट्रीजाइन का यूज किया जाता है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज की जाती है। गाइस, कुछ डिस्क्रिप्शन में बात कर लेते हैं कि डेक्सामेथासोन होता क्या है एंड कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या होता है इसमें। डेक्सामेथासोन इज ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग एंड यू टू रिदमेट प्रॉब्लम। गाइस, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग है। तो गाइस, ये क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के जो रेस्पॉन्स है उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब घटा देता है, जिससे कि जो मतलब डिजीज हुई है वो रिड्यूस हो जाए एंड सिम्टम एंड जैसे कि जो स्वेलिंग वगैरह आई है, जो हमें ईचिंग हो रही है वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है एंड एलर्जिक रिएक्शन वो कंट्रोल हो जाती है। तो गाइस, इसकी टैबलेट्स जो मेनली दी जाती है 0.5 mg की, जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। एंड गाइस, बात करते हैं जो ये हमने बात की थी सिट्रीजाइन, तो सिट्रीजाइन का भी काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। तो गाइस, इसके यूज की बात करें तो इसका यूज देख सकते हो एलर्जिक रिएक्शन में एंड एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब जब भी हमें कोल्ड हो जाता है यानी रनिंग नोज यानी नाक से पानी आने लगता है, जुकाम हो जाती है, तब भी इसका यूज किया जाता है। एंड एलर्जी की मतलब स्किन एलर्जी हो जाती है, कोई मतलब स्किन एलर्जी होती रहती है जैसे कि हमें खुजली हो जाती है, वहाँ पर ईचिंग आती है एंड गाइस वहाँ पर कुछ धब्बे हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सिट्रीजाइन का यूज किया जाता है। एंड अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है, एक बिट थ्री डिफिकल्टी होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एंड ड्रग रिएक्शन यानी जब भी हम कोई ड्रग ले लें और वो अगर हमारी बॉडी में रिएक्ट कर जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए भी सिट्रीजाइन का यूज किया जाता है। तो वैसे ये थे कुछ एलर्जी के ट्रीटमेंट जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं एंड कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, एंड कोई नया टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।